एआरटीओ राजेंद्र विराटिया के नेतृत्व में संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने मसूरी से संचालित की जा रही टैक्सी स्कूटियों का सत्यापन करने हेतु तो एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें करीब 200 स्कूटियों का सत्यापन किया गया। बाकी स्कूटियों का सत्यापन इसी माह एक और शिविर लगाकर किया जाएगा। नगर पालिका टाउन हॉल के प्रांगण में संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने टैक्सी स्कूटियों का सत्यापन किया, जिसमें उनका लाइसेंस और अन्य कागजात देखे गए। मौके पर मौजूद एआरटीओ राजेंद्र विराटिया ने बताया, मसूरी से संचालित की जाने वाली टैक्सी स्कूटियों के सत्यापन के लिए शिविर लगाया गया था, जिसमें करीब 200 स्कूटियों का सत्यापन किया गया। उन्होंने बताया है कि मसूरी में करीब 36 लाइसेंस हैं, जिनके तहत करीब 500 स्कूटियों और बाइकें संचालित की जा रही है। पहले चरण के बाद दूसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिसमें टैक्सी स्कूटियों की पार्किंग, वेटिंग रूम और अन्य चीज़ों का सत्यापन मौके पर जाकर किया जाएगा। टैक्सी स्कूटी संचालन एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत कुमारी ने कहा है कि स्कूटियों का सत्यापन किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी स्कूटी संचालक रोड पर स्कूटी खड़ी नहीं करता, लेकिन जो पर्यटक स्कूटी ले जाता है वह खड़ी करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह सभी स्कूटी संचालकों से कहेंगे कि वह स्कूटी अपने निर्धारित स्थान से संचालित करें, ताकि व्यवस्था बनी रहे। की बहुत अच्छी स्कीम थी, क्योंकि टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि आदमी आता है और मेरे ख्याल से 300-400 में पूरी मसूरी घूम के चलता है एक दिन में। और दूसरी बात, जो सत्यापन कर रहे हैं, सत्यापन अच्छी बात है कि सत्यापन होना चाहिए। और एआरटीओ साहब का कहना यह था कि जो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी जाएगी उसका चलान किया जाएगा, और जो यथास्थान चलाते रहेंगे तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। नो पार्किंग में कभी भी हमारा कोई स्कूटी संचालक गाड़ी खड़ी नहीं करता, वो कस्टमर जाके खड़ी करता है, और वो कस्टमर को पता नहीं होता कि उसे गाड़ी कहाँ खड़ी करनी होती है। और हमारा कोई भी स्कूटी संचालक नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं करता है, वो कस्टमर खड़ी करता है, वो कस्टमर की गलती है। हमारे संचालक की तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं की जाती है, और हम अपने संचालक को समझाएंगे कि वो अपनी पार्किंग में खड़ी कर वहाँ से यथास्थान चलाएँ, उससे मसूरी की व्यवस्था बनी रहेगी। और हम चाहते हैं कि मसूरी की व्यवस्था बनी रहे और टूरिस्ट को अच्छे सर्विसेज मिले। किस तरीके से अनुभव सकता है ये जो परिवहन निगम की जो ये अभियान चलाया गया, बहुत अच्छा अभियान है, बहुत अच्छी शुरुआत है, और इसमें सबको अवेयरनेस होगी, सब अपनी अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके चलाएंगे, इससे सबको फ़ायदा होगा। हमने सत्यापन सुबह से कर लिया है और 500 जो है हमारे पास यहाँ पर लगभग इसका आंकड़ा था कि होने की संभावना है। देखिए, फर्स्ट फेज में हमने जो है इनका चिन्हीकरण किया है कि मसूरी में कितनी रजिस्टर्ड हैं और कितनी अभी संचालित हो रही हैं, तो इसलिए हमने स्टिकर के माध्यम से उनका जो है आज सत्यापन कर लिया है। और सेकंड फेज में हम इनकी जितनी आज हम यहाँ पर सत्यापन किया गया है, इनके मौके पर जाकर इनके स्थान का सत्यापन किया जाएगा, क्या इनके पास इतनी पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है। कुल कितने लाइसेंस हैं मसूरी? 36 लाइसेंस यहाँ पर आवंटित किए गए हैं मसूरी। अब ही हम इस पे जो है कठोर कार्यवाही करेंगे, अगर कोई भी वाहन जो है अपने पार्किंग स्थल से अलग अन्यत्र पाया जाता है तो उसके लाइसेंस के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। कब से कब तक चलेगा ये अभियान? लगातार अभी चलता रहेगा, अभी ये फर्स्ट स्टार्टिंग है, इसमें ये कार्यवाही चलती रहेगी आगे। और इसी मंथ हम एक और कैंप यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि अभी सभी बाइकों का सत्यापन नहीं हो पाया है, कुछ बाइकें अभी जो है रेंट पर भी गई थी, तो उनका सत्यापन जल्दी हम एक और लगा करेंगे।